हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रोकर्स पर। और आप जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर आने वाले टाइम पर सारे ही क्लासेस के एकेडमिक वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ प्रदीप सेन, बीटेक फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा था। आपने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में स्टार्ट किया था, और उसमें हमने देखा था कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को काउंट कैसे करते हैं। उसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। हमने एक अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन भी किया, और आप वहां से जाकर आपने वीडियो को देखिए और आप समझिए कि समांतर माध्य निकालते कैसे। हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम समांतर माध्य कैसे निकाले। तो हमने देखा, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, वो सब देखें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिंपली ये टॉपिक अभी 10th लेवल पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान टॉपिक है। जब हम इसको अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, कंपटीशन लेवल पे जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इससे अच्छे अच्छे सवाल पढ़ते हैं। जैसे कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आगे जाकर के, तो आप वहां पर देखेंगे माध्यिका बहुलक से बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे हमने देखा विषम संख्याओं का प्रथम 10, यहाँ पे मैं एक लाइन अंडरलाइन कर रही है, प्रथम 10 विषम। तो बहुत सारे बच्चों को विषम संख्याएं नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो चीजें समझ लेते हैं। संख्याएं जो होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। जो हमने 9th चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, वहां पर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ऐसे हमारे होल नंबर होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम ओड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम 10 ओड नंबर यानी फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का क्या निकालना है आपको, समांतर माध्य। हमने अभी देखा था कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य होता है जितने हमारे डाटा है उन सबको एड करके और टोटल नंबर ऑफ डाटा का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, समांतर माध्य हमें मिल जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर कोई करने वाले हैं, हमने देखा कि ओड नंबर, फर्स्ट 10 ओड नंबर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम फर्स्ट 10 ओड नंबर्स को लिखें। ओड नंबर क्या होते हैं, जो विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 9 इस टाइप से। तो ये क्या है, हमारे ओड नंबर्स है। तो हम पहले ओड नंबर्स को लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला ओड नंबर क्या होगा, 1, 1, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 9, फिर उसके बाद 11 है, ऐसे हमारे पास में हो जाएगा 13, ऐसे हमारे पास में हो जाएगा 15, और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 17 और ये 19। तो ये किस क्या हो जाएंगे, हमारे और नंबर हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गए। ये हमारे फर्स्ट क्या है, 10 और नंबर से, फर्स्ट 10 और नंबर से। अब हमें क्या करना है, इनका समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। जब आपको बोला जाए कि इनका समांतर माध्य, ये हमें ओड नंबर है या इवन नंबर है उससे हमें लेना देना नहीं, हमें क्या करना है, सिंपल देखना है। हमारे पास 10 डाटा दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, 10 डाटा का क्या निकालना है, सिंपल समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, जितने ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम यानी आंकड़ों का योग, और अपॉन में क्या करते थे, आंकड़ों की संख्या, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं। तो हम सिंपल बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन हम इसका निकालेंगे, एएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली 1 + 5 यहां पे ऐड करते जाएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और ऐसे करते करते हम लिख देंगे कहां तक, ये 19 तक लिख देंगे, ठीक है। और नीचे कितनी है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब हम देखेंगे इन सब का सम करेंगे, तो जब आप इन सब का 1 से 19 तक की ओड नंबर्स का सम करेंगे तो वो आएगा आपके पास में 100। तो ये आ गया आपके पास 100 और नीचे आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 10। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 100 में डिवाइड करेंगे, तो 10 से 10 क्रॉस हो जाएगी और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 10। और यही क्या है, आपका
अर्थमेटिक मीन है, यानी ए एम बराबर आ गया आपके पास अर्थ 10, यानी इन 10 विषम संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास में 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सबको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें एक बार। ठीक है, जो हमने देखा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ, और जैसे अगर किसी भी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है मैथ्स के सवाल समझने में, किसी भी एक्सरसाइज को समझने में, तो ये मेरा प्रदीप सर के नाम से मेरा नंबर है 9116320242। ठीक है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए हम अगला सवाल करते हैं समांतर माध्य का। हमें दे रखा है यह आपके किताब का थर्ड एग्जांपल है, और हमें उसने बोला है कि ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 प्रेक्षण दिए गए, 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, 5 एक कंपनी में 5 कर्मचारियों का क्या है वेतन है, और आपको बोला है उन 5ों कर्मचारियों का मासिक वेतन प्रति माह कितना होगा, औसत निकालना है, मतलब उनके मासिक वेतन का क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब हम देख रहे हैं सिंपल समांतर माध्य का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि ऊपर तो आपको क्या करना है सबका सम, और नीचे क्या लिखना है, जितने डाटा आपको दे रखे हैं, जितने प्रेक्षण आपको दे रखे हैं, उसका क्या कर देना है डिवाइड, और सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा आपका समांतर माध्य। यहाँ भी हम वही करने वाले, सिंपली लिखेंगे ए एम बराबर, ए एम का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे हमारा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में जब हम बोले आप लोग का योग तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8000, पहला ऑब्जर्वेशन है 8000, दूसरा है 5000, तीसरा है हमारे पास 4000, ऐसे हमारे पास है 25000 2500, और यहाँ पर है 1500, ये हमने लिख लिए पांचों के पांचों, हमारे क्या हो गए ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन हो गए, तो हमने क्या लिख दिया इनको प्लस करते हुए लिखा है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिया। हमारे फॉर्मूले का दूसरा पार्ट है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4 और 5, अगर ये टोटल 5 है तो नीचे डिवाइड कितने का हो जाएगा बच्चों बोलो, 5 का हो जाएगा, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे 5 से। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करने पर आपके पास में आ जाएगा 21000, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इनका सम आ जाएगा 21000, तो 21000 हमारा क्या आ गया टोटल सम, और नीचे टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन, वो क्या है 5। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 5 का डिवाइड करना है 21000 में, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास में 4200, यानी 4200, यानी 4200 रुपए आपके पास में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमसे क्या पूछा था कि एक कंपनी में 5 कर्मचारियों का वेतन दिया गया है।